वीवर स्विफ्ट 2012 भाई कुछ भी स्ट्रेचअप है, बाकी गाड़ी ओरिजिनल है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है भाई। और भाई से पूछ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसके बारे में कुछ। ये DLX है, इसके अंदर जो है अपना लायरम ओरिजिनल आते हैं कंपनी के, ठीक है। पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, पावर मिरर है और AC वगैरह चिल्ड है इसका, और ऑन इंजन है, इंजन चेंज नहीं है यानी के, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह, ओरिजिनल नंबर प्लेट सब अवेलेबल है, ठीक है। और फर्स्ट ओनर है, ठीक है। व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट में हम आपके कराएंगे भाई से बात। तो भाई रूफ, विंड स्क्रीन, बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फ्रंट टैली लुक टाइट है भाई, फॉग लाइट वगैरह इंस्टॉल्ड हुई हुई है। अच्छा गाड़ी अपने मुकम्मल सामान पे, जेन्युइन गाड़ी, कुछ पीसेस टचअप तो वो भाई का कहना ये है कि डेंटर लाएँ, पेंटर लाएँ, मैकेनिक लाएँ, गाड़ी चेक कराएँ और ले जाएँ। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। योगी हमारा फेंडर, योगी भाई हमारा प्लर छत हो गया। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं डोर की, दरवाजे, दोनों दरवाजे आपको दिखाते हुए चलते हैं भाई। बात कर लेते हैं हम इसके फुटबेरी की, तो फुटबेरी वगैरह का लुक भी हमारा अच्छा है। फेंडर की बात करें भाई, फेंडर वेंडर का लुक भी हमारा टाइट है। एलॉय रिम पे गाड़ी, टायर तकरीबन गाड़ी के अच्छे लुक में टायर है भाई, तो ये देख सकते हैं आप। लाइट है, मिरर, इंडिकेटर, हर चीज़ पूरी है, तो भाई और हर चीज़ कर रही है वर्किंग, सारी बात ये। अच्छा जी बम्पर वम्पर देख सकते हैं, लाइट है, बैक स्क्रीन तो कंडीशन अच्छी है। अच्छा बहुत मामूली से स्क्रैचेज है, डेंट गाड़ी पे कोई नहीं है। तो भाई आप ये देखें, रूफ पूरी गाड़ी में शाइन है, मेटैलिक कलर है, घन मेटैलिक लुक अच्छा है। तो भाई ये देख सकते हैं तकरीबन गाड़ी जेन्युइन, कुछ पीस टचअप, तो भाई ये हो गया। अच्छा फुटबेरी का लुक, डोर का लुक, तो डोर वोर का लुक भी हमारा टाइट है, बहुत प्यारी कंडीशन गाड़ी की है। ये देखें भाई फ्रंट डोर हो गया, फेंडर हो गया, फेंडर वेंडर का लुक भी आपको दिखा दूँ। एलॉयरियम का लुक, टायर का लुक अच्छा भाई, टायर का लुक देख लें, थोड़ा सा मडी ज़रूर हो रहा है लेकिन लुक अच्छा है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई पिलर की, छत की, तो हर चीज़ शाइन में आपको नज़र आ ही रही होगी। चले जी अंदर से चेक करते हैं गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई डोर वोर खुल गया, बहुत फाइन तरीके से डोर जो खुला है, आवाज़ ही बड़ी मज़े की थी इसकी, साउंड बहुत प्यारा था डोर खुलने का। तो भाई ये हो गया ओरिजिनल साउंड। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं भाई स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील वगैरह का लुक भी हमारा अच्छा है। अच्छा जी आ जाते हैं डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं, तो डैशबोर्ड वगैरह का लुक भी अच्छा है। ये देखें भाई हर चीज़ शीशे की तरह चमक रही है, बहुत प्यारा लुक है भाई। माइलेज कितनी चली हुई है? 75,000 किलोमीटर गाड़ी चली है, हर चीज़ पर अभी तक पन्नी चढ़ी हुई है भाई। सीटों वीटों का लुक देखें तो बहुत प्यारी कंडीशन सीटों की, ख्याल से चलाई हुई गाड़ी। पिलर मैं दोबारा दिखा दूँ, शायद मैंने नहीं दिखाए, तो भाई पिलर दिखा देते हैं आपको। ये लुक है डोर पिलर। अच्छा छत पे देखें, छत वत का लुक भी बड़ा फाइन है, हर चीज़ पे अभी तक पन्नी चढ़ी हुई गाड़ी की, केयर से चलाई हुई गाड़ी है। अच्छा तो भाई दरवाज़ों का लुक देखें, अच्छा रस्टेड कहीं नहीं है मामला, बहुत प्यारी कंडीशन है भाई। अच्छा अब हम आपको दिखा देते हैं भाई, ये देखें झड़पे और जनाब गोले, तो बहुत ही अच्छे लुक में गाड़ी, साफ़ सुथरी गाड़ी है भाई। ये देखें सीटों पे भी पन्नी, बाकी मैटिंग वेटिंग हुई हुई है प्रॉपर तरीके से। ये देख लेते हैं डिग्गी का पोर्शन, तो भाई कुछ सामान वामान ज़रूर यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा अब आप देख सकते हैं दरवाज़ों के पर्दे, फ्रंट डोर। अच्छा ये हो गया भाई हमारा, ये देखें डैशबोर्ड का मामला। अब हम चलते हैं इंजन रूम खुलवाते हैं भाई से। तो भाई ये देख सकते हैं माउंटेन वगैरह का लुक, बहुत प्यारी कंडीशन भाई का कहना है, रुपए का काम नहीं है, गाड़ी ले और गाड़ी चलाएं। मिलवाऊंगा भाई से, तो पहले आप ये देख सकते हैं कॉशन स्लिप विलिप सब लग किए, फ्रंट पट्टी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए भाई डोरियो वोरियो का लुक, माउंटेन का लुक तो बहुत प्यारा है। अगर हम बात करें भाई चेसिस वेसिस जहाँ तक नज़ारा है वो भी देख लें, बहुत फाइन कंडीशन में गाड़ी है। अच्छा जी कंपनी फिटेड देखें, सीले वीले सब अंदर नज़र आ रही हैं, पैकिंग वैकिंग। बात करें बोनट की, तो भाई बोनट में जो पैकिंग है वो भी कंपनी फिटेड लगा हुआ है, तो मिलवाते हैं हम आपको भाई से। व्यूअर्स गाड़ी का ओनर दानिश भाई हमारे साथ है, तो भाई दानिश भाई से मिलते हैं, बात करते हैं। दानिश भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। दानिश भाई हमारे पास गाड़ी का मॉडल बताइए, डिमांड बताइए। सर ये 2012 का मॉडल है और फर्स्ट ओनर है और 75,000 ये चली हुई है और AC वगैरह चिल्ड है और इसके मैंने जो टायर्स भी नए डलवाए हैं और इंजन इसका अपना है और क्या कहते हैं बेहतरीन, यानी कि बस सिर्फ जी जी बिल्कुल हर तरीके से आप चेक करवा लें जो भी लेना चाहें। हाँ बस सिर्फ स्टार्ट करें और चलाएं बस। हाँ बस मैंने इसकी प्राइस जो है ना 16,50,000 रखी है और यानी कि बस माइनर इसमें मैं डिस्काउंट कर सकता हूँ, 25,000 में आपके व्यूअर्स के लिए छोड़ दूंगा जी। नहीं बहुत इससे ज़्यादा मेरी जी बिल्कुल, और इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जैसी मेरी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में ऐसी गाड़ी मुश्किल है कि मिले, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए ली थी। हाँ तो मतलब चलाने के लिए ली थी, कुछ वजूहत की बिना पे मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ। आमीन आमीन। तो भाई
इंशाल्लाह ठीक है। मैं सदर में भी होता हूँ, मेरी शॉप वहाँ है और मैं रेता लैंडी में हूँ। 0311-299-8338। सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ कराची ब्लॉगर से काशिफ अंसारी। तो भाई आ गया हूँ इस वक्त कराची का संडे बाज़ार, गाड़ियाँ ढूंढ रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छी रेट की गाड़ियाँ ढूंढूंगा, अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए व्यूअर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है तारिक भाई और दूसरे भाई का नाम क्या भाई, नाम बताइए। आज़म भाई, तारिक भाई, आज़म भाई। तो भाई इन भाइयों को चाहिए मीरा, ऐसे ही है। तो हम आपकी डायरेक्ट भाइयों से बात करते हैं, भाई आप हमारी व्यूअर्स से डायरेक्ट बात करें, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए? 2018 जी, मीरा का 2018 का मॉडल की तलाश है। गाड़ी जेन्युइन चाहिए आपको? और गाड़ी जेन्युइन हो, इंजन में काम ना हो और बॉडी वाइज सेट हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, और कोई एक्सीडेंट ना हो और उसका कोई पार्ट उसका ख़राब ना हो। तो भाई रेंज क्या है हमारी? हमारी 15 से 17 लाख। 15 से 17 लाख जी। मॉडल भी बता दिए कौन सा मॉडल? 2018। भाई हमारे जिन भाइयों के पास मीरा 2018 का मॉडल हो, भाइयों से रابطہ करें, भाइयों ने अपनी रेंज बता दी। ठीक है भाई, और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा नंबर नोट कर लें, 0300-221-6286। ठीक है भाई, मोहम्मद तारिक मेरा नाम है और मैं मॉडल कॉलोनी जहाँ जहाज गिर गया था वहीं पर रहता। ठीक है भाई। व्यूअर्स खैबर 93 भाई गाड़ी शावर्ड है, लुक अच्छा है गाड़ी का, कंडीशन अच्छी है। तो दिखा रहा हूँ आपको, रूफ विंडस्क्रीन बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट वाली गाड़ी पे थोड़ी डस्ट आई है वरना कंडीशन अच्छी है, शाइनिंग गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो भाई बम्पर वम्पर का लुक अच्छा है, नए बम्पर में गाड़ी है तो दिखा देते हैं आपको। भाई बम्पर होगा फेंडर वेंडर का लुक, तो फेंडर वेंडर का लुक भी हमारा अच्छा है। अगर हम करें टायर की बात तो भाई टायर तकरीबन हमारे ये वाला तो नया है, बाकी टायर भी चेक कर लेंगे। सिंपल स्टेपनी की गाड़ी है, अच्छा जी फ्लेयर दिखाते हैं, छत दिखाते हैं तो लुक मुनासिब है गाड़ी का। फूड बैरी की बात कर लेते हैं तो भाई फूड बैरी वगैरह का लुक अच्छा है, रस्टेड नहीं है मामला। तो ये हो गया हमारा फ्रंट डोर, फेंडर मैंने आपको दिखा दिया, बैक डोर का लुक तो बैक डोर का लुक भी आपको दिखा देते हैं। तो भाई बैक डोर का लुक हमारा ये अच्छा जी। अब हम बात कर लेते हैं फेंडर की, फेंडर का लुक भी अच्छा है। फिलहाल कोई डेंट मुझे गाड़ी पर नज़र नहीं आ रहा है, स्क्रैचेज है मामूली से, तो भाई वो रह सकते जो मॉडल है उस लिहाज से गाड़ी चलती है, आ भी जाते हैं। बम्पर का लुक अच्छा है, बम्पर तकरीबन मुझे नए लग रहे हैं, लाइट है, मिरर इंडिकेटर अच्छी पूरी है, बैक स्क्रीन की कंडीशन तो वो भी अच्छी है, स्क्रीन में भी कोई ब्रेकेज नहीं है, छत का लुक हमारा ये अच्छा। भाई अब हम बात कर लेते हैं भाई फेंडर की, तो फेंडर का लुक भी हमारा अच्छा है। अच्छा ये देखते हैं भाई फूड बैरी का लुक, फूड बैरी का लुक अच्छा है, डोर वोर का लुक दिखा दे रहे हैं, डोर का लुक टाइट, फ्रंट डोर हो गया अच्छा। अब इसके बाद जनाब फेंडर का लुक दिखाऊँ तो फेंडर का लुक देख सकते हैं, फेंडर का लुक भी बड़ा अच्छी कंडीशन में है। अच्छा तो ये हो गया हमारा पिलर, डोर खोल लेते हैं। तो भाई डोर खुल चुका है, दरवाज़ों के पर्दे तकरीबन अच्छी ही कंडीशन है भाई, ये देख सकते हैं, मामला रस्टेड नहीं है अच्छा। अगर बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील का लुक अच्छा है भाई। अच्छा अब बात कर लेते हैं डैशबोर्ड की, डैशबोर्ड वगैरह का लुक भी फाइन है हमारा। एसी वैसी तो इसका चल रहा है या नहीं है एसी? अच्छा भाई एसी नहीं है इसमें, अच्छा सिस्टम लगा हुआ है, जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है वो चलता है। ठीक है सीटों का लुक देख ले भाई, सीटें बड़ी प्यारी कंडीशन की लगाई हुई है मैंने, तो सीटों का लुक अच्छा अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी जगह तंग है, तो हम पिछला डोर खोल लेते हैं। देखिए भाई ये रास्ता है तो इसमें जाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ये डोर हो गया हमारा अच्छा। बैक डोर बैक सीट की बात कर लेते हैं भाई, बैक सीट वगैरह का लुक दिखा देते हैं। अच्छा फ्रंट सीट का लुक भाई ये है, थोड़ा सा ये देख लें, दरवाज़ों के पर्दे स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं तो भाई स्पीकर का आपको नज़र आ ही रहे होंगे, दरवाज़ों के पर्दे हो गए, पिलर हो गया, तो ये लुक इनर हो गया हमारा। चलते हैं इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से चेक करते हैं गाड़ी को। तो भाई ने हमें दिखाया है, देखते हैं ये भाई इस तरह का मामला है, थोड़ा सा तैयार की हुई है गाड़ी, यहाँ से रस्टेड हो गया था मामला तो उन्होंने बनवाई है, तो वो सब डिटेल ले लेंगे। ये देख सकते हैं भाई फेंडर सॉरी हमारा माउंटेन का लुक अच्छा जी। अब अगर हम देखें ये देख सकते हैं डोरियों का लुक अच्छा, ये हो गई हमारी फ्रंट पट्टी का लुक अच्छा है, देख सकते हैं भाई लुक में गाड़ी मुनासिब है। अच्छा था पुराने मॉडल है तो थोड़ा बहुत भाई इसमें काम है, वो इन्होंने तैयार की है। माउंटेन का लुक हमारा ये है, इंजन का लुक दिखा रहा हूँ मैं आपको अच्छा ये देखो भाई अच्छा। तो सीएनजी वगैरह लगी हुई है इसमें, सीएनजी पेट्रोल दोनों पे। ठीक है भाई, तो व्यूअर्स गाड़ी का ओनर मोहम्मद राहिल भाई हमारे साथ है, राहिल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम, अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक ठाक। गाड़ी का मॉडल 1993 है और ये गाड़ी मेरे नाम ही है, सुजुकी हैबर स्विफ्ट इसका नाम है और टोटल जेन्युइन गाड़ी है इसकी, बाहर से जो है इसका पेंट हुआ है
और कोई काम नहीं है, इंजन के अंदर कोई काम नहीं है, सस्पेंशन के अंदर कोई काम नहीं है, सिर्फ इसका एसी है, वो भी 50% चांसेस है कि वो दोबारा से रिपेयर होके चल जाए। अब वो नसीब की बात चलता है। सामान वगैरह सब पूरा डला हुआ है, कंप्रेसर वगैरह सब चीज़ें इसकी ओके हुई हैं। लास्ट सीज़न में मैंने इसको जो है ना वो ऑन करा था, इसके बाद मैंने चलाया नहीं है इसे, इस सीज़न चलाया नहीं है। सब चीज़ें टैक्स जो है, इसका टैक्स जो है वो 2020 तक कोई काम नहीं है, टैक्स जो है वो 2020 तक पेड है इसका, और CPLC सब क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर है, मेरे नाम गाड़ी है। ठीक है मेरे भाई, तो भाई हम इसकी क्या डिमांड रख रहे हैं? मैं इसकी डिमांड 270 कर रहा हूँ। और हमारी वजह से क्या डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट? जब कोई फ़ोन करेगा आपके रेफरेंस से तो फिर उसमें बात कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई आपके रेफरेंस से फ़ोन करेगा तो फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। फोन तो आएगा ना इंशाल्लाह, जल्दी तो बात भी होगी। नहीं नहीं, जब फोन आएगा तो फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। होता ये नहीं है, मैं बताऊँगा रेफरेंस अगर कोई आएगा। हमने कर दिया राहिल भाई को, राजी राहिल भाई डिस्काउंट दे दीजिए। चलें, अगर आपके रेफरेंस से कोई आता है तो मैं 260 में दे दूँगा इसे इंशाल्लाह। 260 में, 260 बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है, बात करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं। अच्छा भाई, भाई भाई का मूड बात करने का इंशाल्लाह। हाँ, कोई बात करेगा तो इंशाल्लाह फिर 10,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, मजीद डिस्काउंट देने के लिए तैयार है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है भाई, भाई तो मोबाइल नंबर शेयर कर दिया, 03106016798 लोकेशन है इसकी, साइमर एवेन्यू विलास 4K चौरंगी नियर। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, खैबर 94 मॉडल भाई, कंडीशन वाइज गाड़ी अच्छी है, शाइन में गाड़ी आपको मिल रही है, रूफ एंड स्क्रीन बोनट बम्पर हेडलाइट फ्रंट वाली, तो लुक टाइट है, शाइन में गाड़ी है, गाड़ी अपने सामान पे भाई, बाहर से ज़रूर गाड़ी शावर्ड है क्योंकि मॉडल जो है इस लिहाज से तो बनता है शावर्ड होना, अंदर से गाड़ी ओरिजिनल है, इंटीरियर बड़ा प्यारा तैयार किया हुआ है, तो वो सब दिखाऊंगा मैं आपको। अच्छा जी, बम्पर हो गया, फेंडर की बात कर लेते हैं, फेंडर वेंडर का लुक भी हमारा अच्छा है भाई, डोरियाँ वोरियाँ सब दिखाऊँगा, और जनाब जो लकीरें वकीरें सब आप देख सकते हैं, पिलर विलर की कंडीशन छत सब दिखाऊँगा आपको। तो भाई स्टार्ट ले लेते हैं, एलॉय रिम पे गाड़ी है, टायर का लुक अच्छा है, टायर तकरीबन भाई 90-95% हमारा टायर है, एलॉय रिम का लुक अच्छा है। बात कर लेते हैं भाई हम इसकी फुट बैरी की, तो फुट बैरी का लुक अच्छा है, रस्टेड नहीं है मामला, अच्छे लुक में गाड़ी है। तो ये हो गया भाई हमारा डोर का लुक, पिलर का लुक, पिछला डोर भी दिखा दें तो भाई पिछला डोर वोर का लुक हमारा ये है, जगह यहाँ पर थोड़ी तंग है लेकिन चलते हैं भाई, फेंडर का लुक यहाँ से ये हो गया, दूसरी साइड से आते हैं तो भाई आप देख सकते हैं, भाई खोल रहे हैं डिग्गी, तो डिग्गी भी चेक कराएंगे भाई, देखें भाई वूफर वूफर लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है, भाई ने गाड़ी अपने हिसाब से बनाई है, इंटीरियर बहुत प्यारा है, बाहर से भी लुक अच्छा है गाड़ी का, तो भाई ये देख सकते हैं आप, अच्छा ये लुक है, बाकी ये मामला देख सकते हैं भाई, जैसे रहते जो मॉडल है उस लिहाज से गाड़ी फिर भी अच्छी कंडीशन ही है। तो ये हो गया लुक, अच्छा बैक लुक दिखा दूँ आपको, तो भाई बैक लुक ये है, लाइट है, मिरर, इंडिकेटर, तकरीबन सब चीज़ें पूरी हैं, गाड़ी शाइन में मिल रही है आपको, बम्पर वम्पर अपना है गाड़ी का, तो भाई ये हो गया बैक फेंडर का लुक, टायर मैंने बताया आपको तकरीबन 90-95% का एलॉय रिम है, फुट बैरी का लुक यहाँ से भी अच्छा है, रस्टेड नहीं है मामला, डोर का लुक दिखाऊँ तो भाई डोर वोर का लुक देखते हुए चलते हैं। अच्छा फ्रंट डोर हो गया, ये हो गया भाई पिलर का लुक, तो पिलर विलर का लुक भी हमारा अच्छा है, ये देखें भाई पिलर का लुक, फेंडर का लुक, तो फेंडर का लुक भी हमारा अच्छा है। अच्छा आ जाते हैं भाई डोर खोल लेते हैं, डोर का लुक दिखाते हैं आपको, रस्टेड नहीं है मामला, मुनासिब कंडीशन है, तो भाई आ जाएं इसी बात पे। हम देखते हैं स्टीयरिंग व्हील का लुक, तो स्टीयरिंग व्हील का लुक अच्छा है। अच्छा जी ये देखें भाई डैशबोर्ड का लुक आपको दिखा रहे हैं, डैशबोर्ड का लुक देख लें, अच्छा लुक में, एसी वेसी वर्किंग में है, इसके कंप्रेसर का काम, अच्छा कंप्रेसर का काम है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। छत वत का लुक देख सकते हैं आप, छत का लुक ये है भाई हमारा, पिछला डोर खोल लेते हैं, जगह थोड़ी सी यहाँ पर तंग है। अच्छा भाई पिछला डोर खोलते हैं, दिखाते हैं आपको गाड़ी का लुक, तो भाई ये लुक है गाड़ी का। अच्छा अब आपको दिखाएं सीटों का लुक, तो भाई सीट वीट का लुक हमारा देख सकते हैं आप, स्पीकर लगे हुए हैं, सिस्टम लगा हुआ है, दरवाज़ों के पर्दे देख लें, अगला दरवाज़ा ये लुक है। चलते हैं भाई इंजन रूम की तरफ, इंजन रूम से गाड़ी को देखते हैं गाड़ी क्या कह रही है। तो भाई ये देखें माउंटेन वगैरह का लुक आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी ये देखें डोरी का लुक, गाड़ी हो गई स्टार्ट, तो भाई गाड़ी का अच्छा CNG का हो गया भाई लुक, बैटरी देख सकते हैं, बैटरी कंडीशन अच्छा, फ्रंट पट्टी का लुक हो गया भाई ये देखो, डोरियों का लुक, माउंटेन का लुक, तो माउंटेन वगैरह का लुक आपको दिखा दिया, चेसिस का लुक आपको दिखा रहे हैं, तो भाई ये हो गया CNG पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है जी, CNG पेट्रोल दोनों, तो भाई गाड़ी जो आपको दिखा रहे हैं CNG पेट्रोल दोनों पे स्टार्ट है, बोनट वोनेट का लुक अच्छा है, कोई ऐसा नहीं मामला कि भाई वेल्ड हुआ हुआ कोई निशान हो, तो भाई मिलवाते हैं आपको भाई से। तो व्यूअर्स गाड़ी का ओनर राजा भाई हमारे साथ है, राजा भाई से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। ये डिमांड इसकी हमने वैसे 3 रखी है, तो लेने वाले जो होगा इंशाल्लाह उसके लिए हम गुंजाइश कर देंगे, और वैसे आपके इस चैनल के तवस्सुत से आपके साथ भी ताउन करेंगे, अगर आपके तवस्सुत से कोई आएगा हमारे पास तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बिल्कुल स्पेशल डिस्काउंट करेंगे।
मैं तो कहता हूँ अभी हम इस ऑफर को बंद ही रहने दें तो बेहतर है। कॉन्फिडेंशियल रहने दें। जी जी बिल्कुल। नहीं इसका कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं है, सिर्फ एसी जो लास्ट टाइम हमने बिल्कुल ओके था एसी, जब लास्ट सीज़न जो आया था उसमें एसी हमने ऑन किया था, उसके बाद जो है अब ऑन नहीं करा, इसका कंप्रेसर में काम आ रहा है। अच्छा। जी अच्छा, तो आप मुझे बताइए गाड़ी में टैक्स सिलसिला पूरा? नहीं, 3 ईयर का टैक्स जो है ना वो है, 3 ईयर का। जी 3 ईयर का इसका टैक्स का चला, वो जैसे वो चाहें, अगर हम करना चाहें हम बना देंगे, वो बैठ के जैसे वो चाहें वो कर देंगे। बाकी CPLC अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर है, गाड़ी की दोनों नंबर प्लेट्स ओरिजिनल इसकी जेन्युइन पड़ी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्स बाकी सब क्लियर है, बड़े भाई के नाम पर हैं गाड़ी, वो भी मौजूद है, उनके NIC की कॉपी वगैरह, किसी किस्म का इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इशू कोई नहीं है। तो रेट तो रखिए आपने कॉन्फिडेंशियल। जी 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 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के तवस्सुत से इंशाल्लाह आपके व्यूवर्स को मिलेगा। जी अब आप ये बताएं कि अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 03242504404। राजा मेरा नाम है, इंशाल्लाह आप रابطہ करें, इंशाल्लाह ज़रूर डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल अच्छा डिस्काउंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।